उत्तर प्रदेश राज्यपाल राम नाईक पहुंचे लखनऊ विश्वविद्यालय। मौका था उनके जीवन पर लिखी किताब चरवती चरवती के उर्दू अनुवाद के मौके पर। महाराष्ट्र के सांगली गांव के आठ पहाड़ी पर मास्टर कुलकर्णी के परिवार में जन्म लेने वाले राम नाईक सत्ता के गलियारों से होते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के राजभवन में पहुंचे तो यहां की गंगा जमनी तहजीब उनके दिलों पर राज करने लगी। कैंसर जैसे मर्ज से लड़कर उन्होंने जिंदगी की जंग को जीता और उसके बाद उन्होंने एक अपनी किताब लिखी मराठी में, जिसका नाम है चरवती चरवती, यानी आगे बढ़ते चलो बढ़ते चलो। इस किताब को चार जबानों में ट्रांसलेट किया गया। उर्दू जबान का ट्रांसलेट करने के लिए डॉक्टर नैयर रजा जलालपुरी को इसका जिम्मा सौंपा गया। उन्होंने बखूबी इस काम को अंजाम दिया। उर्दू राइटर्स फोरम की जानिब से ये प्रोग्राम लखनऊ विश्वविद्यालय के मदन मोहन मालवीय हॉल में संपन्न हुआ, जिसमें राम नाईक उत्तर प्रदेश राज्यपाल खुद मौजूद थे। इस मौके पर कई लोगों को उर्दू खिदमत के लिए अवार्ड से नवाजा गया, जिसमें ग्राफ एजेंसी के मालिक अबूजर किंतूरी, उत्तर प्रदेश की दीगर हस्तियां मौजूद आईं, अम्मा रिजवी, सिराज मेहदी, फजले इमाम, काफ़ी लोग उनके शाना बशाना व दीगर लोग मौजूद रहे। निश्चित रूप से महामहिम श्री राज्यपाल जी, श्री राम नाईक जी का जो चरित्र है, जो उनका कर्म है, वो वास्तव में अपने आप में एक मिसाल है और एक ऐसी यात्रा उनकी जीवन की है कि किसी भी परिस्थिति में वो कभी पीछे मुड़ करके उन्होंने नहीं देखा है। तो सचमुच जो चरवेत चरवेत का सिद्धांत है, चलते रहो, मूविंग मूविंग मूविंग, ये जो सिद्धांत है उसको उन्होंने जीवन में चरितार्थ किया है। अद्भुत मिसाल हैं हमारे राज्यपाल माननीय श्री राम नाईक जी इसके। नहीं, ये देखिए बहुत मुबारक मौका है और गवर्नर साहब ने, राम नाईक जी ने जो किताब मराठी में चरवती चरवती लिखी थी, जिसका मतलब है कि चलते रहो चलते रहो, उसका तर्जुमा ज़्यादातर जबानों में हो चुका है। किसी की सवाने उम्री नहीं है, बल्कि एक तरह की एक गाइड बुक भी है, ख़ास तरीके से पॉलिटिशियंस के लिए और उन लोगों के लिए जिन्हें ज़िंदगी में मुसीबतों, जद्दोजहद, आजमाइशों का मुकाबला करना पड़ता है। नहीं, सबसे अच्छी बात तो ये जो उन्होंने किताब लिखी थी वो मराठी में लिखी थी और ये बहुत अच्छा लगा कि वो उर्दू में ट्रांसलेट हुई, हिंदी में ट्रांसलेट हुई और कई जबानों में हुई। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हर आदमी मराठी नहीं पढ़ सकता था, उनकी क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था हम लोग जान ना पाते, तो उर्दू में लिखने से बड़ा फ़ायदा हुआ कि हम लोग भी जान गए क्योंकि किताब में उनका मकसद क्या है। और RSS के वो हैं, बिलाशुबा हैं, लेकिन उनकी सबसे ख़ास बात यह है कि वो इस चीज़ का ऐलान करते हैं। वो कहते हैं मैं अपने नज़रिए का भी वफ़ादार हूँ, अपनी नज़र का भी वफ़ादार हूँ, लेकिन यह है कि मैं इंसानियत और इंसाफ के साथ हूँ। ये कैरेक्टर गवर्नर साहब का जो है, इस कैरेक्टर को सबको इससे सबक सीखना चाहिए। और आज जो वक़ार रिजवी ने गवर्नर साहब की किताब का विमोचन जो यहाँ कराया उर्दू में, इसके लिए वक़ार रिजवी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने हीरे को पहचाना और ये महसूस किया कि उत्तर प्रदेश में गवर्नर की शक्ल में, इंसान के रूप में एक हीरा मौजूद है, हमें उस हीरे की कद्र करनी चाहिए। कि दूसरी ज़बानों का जो अच्छा अदब है, अच्छा लिटरेचर है, उसको अपनी ज़बान में भी हम लोग ट्रांसलेट करें। तो ये गवर्नर साहब की किताब है, इस एतबार से तो ये बहुत अहम किताब है ही, लेकिन ये किताब इस एतबार से बहुत अहम है कि इसका तर्जुमा दूसरी ज़बानों के साथ साथ उर्दू में भी हुआ है। बहुत खूबसूरत किताब है, खुदनविश्त है, लेकिन उसमें जो उनके अपने मशाहदात हैं, जो तजर्बात हैं उन्होंने बयान किया है, तो काफ़ी मज़ेदार हैं। कुछ वाक़यात बहुत ही और दर्स देने वाले हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आप राम नाईक एक फ़र्द का नाम नहीं है, एक इनफरादियत का नाम है, एक शख्स का नाम नहीं, शख्सियत का नाम है, इंसान का नहीं, इंसानियत का नाम है। और इसके दो पहलू हो गए कि वो उत्तर प्रदेश के गवर्नर ही नहीं हैं, वो महाराष्ट्र के सिर्फ एक शहरी नहीं हैं, बल्कि वो पूरे हिंदुस्तान का एक मुकम्मल चेहरा है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा उर्दू फोरम का और जनाब वक़ार साहब का, अवधनामा का और बिलखसूस आपका नैयर साहब कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ पर आया और गवर्नर साहब के हाथों आपने निशान अवध अवार्ड से मुझे सम्मानित किया।
اور میں شکر گزار ہوں تمام لوگوں کا کہ جنہوں نے میرا انتخاب کیا. مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں اس بات کا اہل ہوں. بہت اچھے اچھے لوگ ہیں اور جو کام کر رہے ہیں, اور بہرحال یہ آپ کے حسن نظر ہے کہ آپ نے میرا انتخاب کیا. میں بہت شکر گزار ہوں اور بہت متشکر ہوں آپ سب کا کہ آپ نے میرے اس قدم کو سراہا. بہت شکریہ. لیکن ہم یہ آپ کا انکسار ہے جو آپ فرما رہے ہیں, لیکن ہماری چھوٹے سے چھوٹی تقریبات کو اور چھوٹے سے چھوٹے جلسوں کو اور مشاعروں کو, نشستوں کو, محفلوں کو, مقاصدوں کو آپ اپنے کینوس پہ لا کے گراف ایجنسی کے حوالے سے بہت بڑا کر دیتے ہیں, اور یہ بھی ایک عوامی طبقے تک آپ کا جو پیغام پہنچتا ہے اس کے لیے آپ نے ایوارڈ قبول کیا. میں آپ کی خدمت میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اور مجھے یقین ہے کہ ہر ایوارڈ, چھوٹے سے چھوٹا ایوارڈ بھی آپ کو ایک نیا حوصلہ دیتا ہے, آپ کی خدمات کے اعتراف کے لیے بہرحال ایک تسلی دیتا ہے, تو آپ کی ذمہ داریوں کا احساس بھی بڑھاتا ہے. اب مجھے امید ہے کہ اردو کی خدمات کے لیے آپ مزید کوشش کریں گے. کے دوارا میرے کتاب چرائیوتی چرائیوتی پر جو چرچا ہوئی, اس چرچا کے بیچ میں یہ ایک وشے آیا کئی وقتاؤں کے بات کرتے ہوئے کہ اتر پردیش کی ہندی کے ساتھ ہی ساتھ دوسری بھاشا اردو ہے, اور اس لیے اس کا اپیوگ جتنا ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا ہے. میں اس بات سے سہمت ہوں کہ اردو بھاشا ہے, اس کا اپیوگ ہونا چاہیے. وشو ودیالیوں میں بھی اردو کو اچت استھان دینا چاہیے. یہ جو مانگ آئی ہے اس مانگ کا میں سمرتھک ہوں, اور آنے والے دنوں میں ہم کلپتیوں کی ہمیشہ 6 مہینے کے بعد ایک بیٹھک کرتے ہیں, وسترت چرچا کرتے ہیں یہ وشے. اگلے بیٹھک میں کلپتیوں کے لیے چرچا کے لیے بھی رکھوں گا, لیکن اس کا جو ایجنڈا بنتا ہے وہ ایجنڈا کے ساتھ میں بتا دوں گا کہ اس کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے. اس وشو ودیالیہ میں اس کی جانکاری لے کر وہ آئے, اتنا کام میں نشچت کروں گا.